दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। तो हमारे पास जो पुरानी बाइकें होती है जिसका रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 20 साल पुरानी बाइक, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, 20 साल पुरानी बाइक स्प्लेंडर जो कि पहले हीरो होंडा की हुआ करती थी, बाद में जो है इसको हीरो ने बनाने लगा, कंपनी अलग हो गई, तो हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर थी उसको हमने यहाँ पर फिर से पूरी तरह से वीडियो में न्यू दिखाया है। सबसे बड़ी बात करें इसका जो पेंट हमने यहाँ पर करवाया है, इसका पेंट बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। आपको न्यू पार्ट्स भी हम दिखाएंगे यहाँ पर, और जो हमने हमारे पास जो पुराना टैंक है उसको जो हमने रिपेंट किया है उसका यहाँ पर कलर आपको दिखाएंगे। पेंटर का हम तारीफ करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पेंट किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझेंगे कि हम उसका स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसीलिए हम पेंटर का नाम नहीं बताने वाले, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर पेंट किया है, उसकी तारीफ करनी होगी। शुरू से एंड तक जो बाइक में जो हमने काम किया है वो आपको यहाँ पर देखा। इस बीच में हम बहुत कुछ ऐसा कुछ बताने वाले हैं, क्या प्राइस लगा है, कितना खर्च लगा, क्या क्या सामान चेंज हुआ, सारा कुछ बताने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हमने नहीं बनाया, 4 मिनट में हम पूरा ये खत्म कर दिया, तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख पा रहे यहाँ पर टैंक रखा हुआ है, इस टैंक में जो है पेंट कर दिया गया है और पेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त किया है दोस्तों, बहुत ही यूनिक है। और फिलहाल इसमें जो हम स्टिकर करने वाले, ये स्टिकर आपको दिखाते हैं फटाफट, हालांकि इस वीडियो में ये सब चीज़ ज़्यादा हम नहीं दिखाने वाले हैं, आप पेंट के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बोलने वाले हैं। इसमें जो पेंट किया दोस्तों देख पा रहे, इसका जो कलर है ये बिल्कुल एकदम कंपनी से भी ज़्यादा मतलब शाइनिंग आया है, देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल इसमें शैम्पू पानी दिया गया, शैम्पू पानी दे करके इस स्टिकर को लगाया जा रहा है ताकि बहुत अच्छे से स्टिकर बैठ जाए। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जो भी स्टिकर लगाया जाता है, शैम्पू पानी देकर लगाया जाता है या फिर कोई भी पानी का यूज़ किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा पानी देकर क्यों किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पानी देकर के इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्टिकर का गम होता है वो बहुत जल्दी, मतलब अगर आप बिना पानी देकर लगाएंगे तो बहुत जल्दी वो पकड़ लेगा, फिर बाद में वो एडजस्ट नहीं होगा, इसीलिए शैम्पू पानी दिया जाता है ताकि उसको आप बढ़िया से एडजस्ट कर ले। देख पा रहे ये स्टिकर लग गया है और ये टैंक देख पा रहे दोस्तों काफ़ी शाइनिंग आया, काफ़ी चमक आया है, आप गौर से देखिएगा इसको, एक बार फिर से दिखाएंगे एंड में दिखाएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त पेंट किया है दोस्तों, पेंटर की तारीफ की होगी करनी होगी दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें ये जो हीरो के नीचे जो हमने यहाँ पे स्प्लेंडर लिखा है, ये जो बाइक जिनका था वो उनका डिमांड था, इसके वजह से ये एक यूनिक हो गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमको लगता है कि पहली बार हम ये लगाए होंगे और शायद इस तरह से कोई नहीं लगाया हुआ जो कि इस वीडियो में देख पा रहे दोस्तों। और ये जो डिमांड था ये भाई का डिमांड था जिनका बाइक है, देख पा रहे बैठे हुए हैं, इन्हीं का डिमांड था कि यहाँ पर एक स्प्लेंडर छोटा सा स्प्लेंडर का स्टिकर लगा दीजिए, हालांकि हम लोग नहीं लगा रहे थे, बोल रहे थे ख़राब लग गया, लेकिन जब लगाया हमने तो काफ़ी अच्छा लगा देखने में। और इसका जो साइड पैनल देख पा रहे ये काउल है, ये जो काउल है ये कंपनी का है, इसको पेंट नहीं किया गया है, और ये भी देख पा रहे ये शोरूम से परचेज किया गया है, इसको भी पेंट नहीं किया गया है। और जो पेंट नहीं किया गया है और जो टैंक जो हमने पेंट किया है उसका कलर आप दोनों को मिलाइएगा तो टैंक का कलर काफ़ी यूनिक लगेगा, काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा दोस्तों, तो इसलिए कंपनी से अच्छा पेंट किया गया इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो बाइक है ये 2002 मॉडल है, 2002 की बाइक थी और इसको 2023 में इसको जो है फिर से रीन्यू किया गया है, इंजन वगैरह सारा कुछ बनाया गया है और चेचिस वगैरह पेंट किया गया, बहुत सारा सामान भी इसमें लगा हुआ था, सिर्फ इंजन सही था, बहुत सारा सामान लगा, बहुत सारा पार्ट्स लगा, सबको जो है मतलब पेंट करके और कुछ नया खरीद के लगाया गया। और जो फाइबर पार्ट्स है इसमें बहुत सारे पार्ट्स चेंज किया गया, वाइजर वगैरह सारा कुछ चेंज किया गया, सिर्फ टैंक और चेचिस को पेंट किया गया है और इंजन को पेंट किया गया। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका पेंट का जो खर्चा है जो पेंटर लिया है वो लगभग 12,000 के आसपास इसमें पेंट का खर्चा लिया, चेचिस इंजन और बहुत सारा चीज़ जो है पेंट किया है, और बाकी फाइबर पार्ट्स जो है लगभग 12-13 हज़ार का फाइबर पार्ट्स आया। इस बाइक को कंप्लीट करने में लगभग 25-30 हज़ार का खर्चा आ गया दोस्तों, लेकिन बाइक भी बिल्कुल नहीं होगी। और दोस्तों आपको बता दें कि 25-30 हज़ार इसमें खर्चा आप कर दिए और इस ये बाइक को अगर बेचते दोस्तों तो ये 10-12 हज़ार में बाइक बिकती है, लेकिन ये बाइक का जो इंजन है ये इंजन बहुत ही मतलब मजबूत इंजन है, जो अभी इस तरह के इंजन नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इस बाइक को बनाने का मतलब सोचा गया कि इस बाइक को बना के लगाया जाए। देख पा रहे ये जो टैंक हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है और इसका जो स्प्लेंडर हमने लिखा है छोटा सा हीरो का जो 3D लोगो के नीचे, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ ही साथ वाइजर में भी कुछ अलग सा हमने यहाँ पर डिजाइनिंग किया है, अभी बाइक को कम्प्लीट करके आपको यहाँ पर दिखाने वाला है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और ये मेरा शॉप का बोर्ड देख पा रहे हैं, हमारा बाइक कंप्लीट हो गया दोस्तों, और सामने से लुक दिखा पा रहे हैं आपको और ये साइड से दिखा पा रहे और पीछे से, हालांकि इस वीडियो में ज़्यादा कुछ हम नहीं दिखाए, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट था वो आपको यहाँ पर दिखा दिए और ये बता दिए कि ये कब की बाइक है बता दी। देख पा रहे यहाँ इंजन देख पा रहे, इंजन में भी पेंट किया गया है, साइड में भी पेंट किया गया है और सीट कवर अभी फिलहाल चेंज नहीं किया गया, इसको चेंज करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी यूनिक लगेगा। और इसके बारे में
और अगर कुछ बताए तो फिलहाल इसमें और कुछ काम होने वाला है, फिर एक सूट इसका स्पेशल और वीडियो बनाएंगे, और जो हमने इसका पार्ट खोल के जो पेंट किया है वो भी दिखाएंगे आपको वो उस वीडियो में। इस वीडियो में हम नहीं दिखा पाए क्योंकि वो कुछ एक पार्ट हमारे मोबाइल पे नहीं था, इसीलिए हम ये नहीं दिखा पाए। वो सारा चीज़ जो है जो सूट लिए थे वो हम फिर से एक दूसरा वीडियो एडिट करके आपको दिखाएंगे कैसे इसको खोला गया और कैसे इसको लगाया गया। तो देख पा रहे हैं ये साइड में भी हमने यहाँ पर स्प्लेंडर लिखा है वाइजर का, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हील में हमने नहीं लगाया, व्हील में भी अगर ये कलर लगाते ग्रीन कलर तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्टिकर दोस्तों शोरूम से मिलता था लेकिन ये हमने बना के लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो दोस्तों तो पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए।